सब्सक्राइब करें टिप्स थिएटर चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको सफेद कपड़ों की सफाई के बारे में टिप्स देने वाली हूँ। इसके पहले भी मैंने आपको व्हाइट कपड़ों की, व्हाइट शर्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है, परंतु आज मैं आपको बता रही हूँ सफेद कपड़ों में आपने देखा होगा बहुत ही जल्दी पीलापन आता है, थोड़े से में दाग दिखने लगते हैं, गीला रख देते हैं तो भी उसमें फंगस के दाग भी दिखने लगते हैं। मैं आज आपको सभी दाग दूर करना बता रही हूँ, और खासकर सफेद कपड़ों में, या आप इसे रंगीन कपड़ों में भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी पसीने की बदबू आने लगती है, ताकि पसीने की बास भी ना आए हमारे कपड़ों से। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से, घरेलू तरीके से, जो घर में अवेलेबल चीजों से ही बता रही हूँ आपको। चलिए दोस्तों, चलते हैं उस वीडियो की ओर जिसमें मैं आपको सफेद कपड़ों का पीलापन, पसीने की बदबू और दाग धब्बे हटाना बता रही हूँ। पीलापन दूर करने के लिए और दाग धब्बे हटाने के लिए सबसे पहले तो हम गर्म पानी लेंगे। आप देख रहे होंगे एक तसले में मैंने गर्म पानी लिया है, ये देखिए बहुत अच्छा मैंने उबलता हुआ इसमें पानी डाल दिया है। अब मैं आपको दो तीन टिप्स दे रही हूँ कि किस तरह से हमें सफेद कपड़ों को सफेद बनाना है, चाहे वो शर्ट हो चाहे टेबल क्लॉथ हो, किस तरह से मैं उनके दाग धब्बे हटाऊंगी। मैं दो तीन टिप्स दे रही हूँ आपको। पहली टिप्स है मेरी बेकिंग सोडा, ये देखिए इसे हम खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। हमें बेकिंग सोडा लेना है और कोई भी डिटर्जेंट लेना है, जो भी वॉशिंग पाउडर आप यूज करते हैं वो आप लीजिए। 1 टेबल स्पून मैंने गर्म पानी में वॉशिंग पाउडर डाला है, 1 टेबल स्पून हमें खाने वाला सोडा डालना है। ये तो हुई मेरी पहली टिप्स। मैं आपको सभी टिप्स बता रही हूँ, एक दो का मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। दूसरी टिप्स है कि सफेद कपड़ों से पीलापन कैसे दूर करें, कैसे दाग धब्बे हटाएं और किस तरह से हम पसीने की बदबू दूर करें। उसके लिए मैंने लिया है गर्म पानी, डिटर्जेंट जो मैंने अभी डाल के दिखाया, उसके अलावा हमें लेना है बोरिक एसिड। ये आपको किसी भी केमिस्ट की शॉप में मिल जाएगा, इसकी कीमत है 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ का ये पैकेट आता है, इस तरह से बोरिक पाउडर होता है। ये हमें 1 टेबल स्पून इस गर्म पानी में डालना है, और फिर हमें जो भी सफ़ेद कपड़ा है हमारा या कलर्ड कपड़ा भी है वो इसमें, इस सोल्यूशन में हमें डुबा के रखना। तीसरी टिप्स है मेरी, गर्म पानी लिया है मैंने, 1 टेबल स्पून वॉशिंग पाउडर लिया है और विनेगर। विनेगर के घोल में भी यदि हम कपड़ों को डुबाते हैं, 1 टेबल स्पून हमें विनेगर डालना है, विनेगर के घोल में भी यदि हम कपड़ों को डुबाते हैं तो बहुत ही जल्दी वो सफ़ेद होते हैं और उनका पीलापन दूर होता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी टिप्स जिसमें मैंने आपको बोरिक एसिड का बताया, मैंने आपको विनेगर का बताया, और मेरी आखिरी टिप्स है जो कि बहुत ही यूजफुल है, मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। उसके पहले मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि बेकिंग सोडा के साथ आप चाहें तो विनेगर या नींबू का रस, यदि आपके पास विनेगर नहीं है तो आप लेमन जूस भी इसमें निचोड़कर डाल सकते हैं। किसी भी एक खट्टी चीज को हमें डालना, विनेगर या नींबू का रस, इससे बहुत अच्छी सफेदी आती है। अब जो मेरी स्पेशल आखिरी टिप्स है वो टिप्स है एस्प्रिन की गोलियाँ, ये देखिए किसी भी मेडिकल शॉप पर मिल जाएगी। ये इतना बड़े पत्ता, इसकी कीमत है 15 रुपये, सिर्फ 15 रुपये का ये है। हमें जब भी किसी कपड़े को धोना, जैसे मैंने अभी आपको टेबल क्लॉथ में आपको धो के दिखा रही हूँ, कितने दाग वाला टेबल क्लॉथ दिखाया है मैंने, उस टेबल क्लॉथ को धोने के लिए हमें 4 एस्प्रिन की टैबलेट लेना है। ये देखिए 4 एस्प्रिन की टैबलेट ली है मैंने, जिसे कि मैं हल्का सा क्रश करूंगी और इस गर्म पानी में जिसमें डिटर्जेंट मिक्स है, ये देखिए खलबत्ता लिया है, इसमें मैं चारों गोलियों को इस तरह से अलग कर रही हूँ। बहुत ही, ये देखिए 4 एस्प्रिन की गोलियां हैं जिसे मैंने खलबत्ते में मैं डाल रही हूँ, और इसे हल्का सा क्रश करना है, तुरंत हो जाती, तुरंत ये पिस जाती है। ये देखिए बिल्कुल इसको मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया है, और इस गर्म पानी में इसमें हमें ये एस्प्रिन की गोलियां जिसे मैंने क्रश कर लिया है वो डालेंगे, और इसके अंदर जो भी सफेद कपड़ा है वो हम डुबा के आधा घंटा रखेंगे। इस तरह से हम इसे सोक करें, थोड़ा सा ये गर्म है, यदि गर्म लग रहा है तो किसी लकड़ी से हम इसे दबाते हैं। देखिए मैं एक लकड़ी से इसे इस तरह दबा रही हूँ ताकि हमारा हाथ ना जलने पाए, इसे एक बार हल्का पलटे ताकि चारों तरफ से हमारा टेबल क्लॉथ अच्छी तरह से इस गर्म पानी में सोख हो जाए, और इसे दबा कर अब मैं आधे घंटे के लिए मैं इस एस्प्रिन वाले पानी में रखूंगी। ये देखिए इसे मैंने खूब अच्छी तरह से डुबा दिया है, अब इसे मैं आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ रही हूँ। ये देखिए इसे डूबे हुए आधे घंटे हो चुके हैं, एस्प्रिन टैबलेट के इसमें हमने इसे डुबा के रखा था, आप देख रहे होंगे अभी तक के बिल्कुल भी मैंने इसे घिसा नहीं है, और बिल्कुल आपको ये सफ़ेद दिख रहा होगा, परंतु फिर भी हम हल्का सा इसे घिस लें ताकि और भी साफ़ हो जाए, ताकि जितने भी दाग लगे हैं, देखिए मैं आपको अभी खोल के दिखा रही हूँ इसे, अभी मैंने बिल्कुल भी इसे घिसा नहीं है, कुछ भी नहीं किया है,
आपको दिख रहा होगा एक एक दाग निकल गए इसके, फिर भी आप हल्का सा ये पानी डालिए और हल्का सा ब्रश की मदद से हल्का सा इसे रगड़ दें बस इस तरह से, ताकि जहां भी आपको लग रहा है देखिए कहीं भी आपको दाग नहीं दिख रहा होगा। एक बार इसे पलट लें इस तरह से और पलट के वापस इसे रगड़ लें। थोड़ा सा ये पानी हम बीच बीच में डालते जाएं। अब आइए आपको मैं अब इसको साफ पानी से धो के दिखाती हूँ। ये देखिए साफ पानी से खूब अच्छी तरह से धो लें ताकि कहीं भी दाग ना रहे। और अभी मैं आपको इसको दिखाती हूँ फैलाकर और इस पानी को हम वापस यूज में लेंगे। ये देखिए इस तरह से अब मैं इसे सुखाने डाल रही हूँ। परंतु एक टिप्स देना चाहूँगी, आप हमेशा सफ़ेद कपड़े को धूप में सुखाएं। अभी तो धूप थोड़ी सी कम है, बारिश का दिन है इसलिए धूप थोड़ी कम है, धूप से सफ़ेदी बहुत अच्छी आती है। अब आप देखिए आपको कहीं भी क्या एक भी दाग दिखाई दे रहा है? कहीं भी आपको एक भी दाग इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखें ये जो सब बीच में स्टैंड था, आपको मैंने फंगस का दिखाया था, ब्लू कलर दिखाया था, पूरा हमारा टेबल क्लॉथ इतना सफ़ेद हो गया है सिर्फ एस्प्रिन की गोलियों से। ये देखिए टेबल क्लॉथ को मैंने सुखाने रख दिया है। अभी सूखने में इसे आधा घंटा लगेगा क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं है अभी। परंतु आप हमेशा धूप में सुखाएं, सूर्य की किरणों में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उससे बहुत ही अच्छी सफ़ेदी आती है हमारे सफ़ेद कपड़ों में। तो फ्रेंड्स ये थी छोटी सी जानकारी सफ़ेद कपड़ों को और सफ़ेद कैसे बनाएं, पीलापन कैसे दूर करें। और मैंने आपको इस टेबल क्लॉथ से सभी दाग निकाल के दिखाए। ये देखिए आपको कहीं भी एक भी दाग नज़र नहीं आ रहा है। मैं पूरा टेबल क्लॉथ आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए कितना साफ हमारा टेबल क्लॉथ हुआ है। आपको मैं पूरा टेबल क्लॉथ शो करना चाह रही हूँ। ये इधर जो दाग था आप देख रहे होंगे, कहीं भी दाग नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स मेरे वीडियो यदि आप लोगों को अच्छे लगते हो, यूजफुल लगते हो, तो उसे करना है आपको लाइक और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। मेरे दोनों चैनल शिखास किचन और टिप्स थिएटर को आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपको वो बहुत यूजफुल लगते हैं तो उसे आप शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स मेरे वीडियो यदि आप लोगों को अच्छे लगते हो, यूजफुल लगते हो, तो उसे करना है आपको लाइक और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। मेरे दोनों चैनल शिखास किचन और टिप्स थिएटर को आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपको वो बहुत यूजफुल लगते हैं तो उसे आप शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें।